नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों की, मित्रों की, वो मित्र जो हमें नुकसान दे सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे कौन से मित्र होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे दूर नहीं रहेंगे तो वो हमें एक दिन बर्बाद कर देंगे। तो आज जानते हैं उन्हीं मित्रों के बारे में जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तीन शब्दों का आप ध्यान रखिएगा। तीन शब्द कौन कौन से? एक है ताली, मतलब ये ताली। एक है थाली, मतलब जो हम जिसमें खाना खाते हैं वो थाली। और तीसरी है प्याली, जिससे हम पीते हैं। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इन तीनों के अनुसार ही मैं तीन मित्रों के बारे में आपको बता रहा हूं जिनसे कि आपको दूर रहना है, जिससे कि आपको सावधान रहना है। पहला मैंने बोला है ताली। वो मित्र जो आपकी बात बात पर तारीफ करे, चाहे आप गलत भी हो तो भी आपकी तारीफ करे। यानी आप कोई सा भी काम करो उसमें अगर वो तारीफ कर रहा है, जिसमें की तारीफ नहीं करनी चाहिए उसमें भी आपकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि आपको और बिगाड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि आप अपने जो गंतव्य है, आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो उस पे पहुंचो, इसलिए वो आपकी गलतियों पर भी आपकी तारीफ करेगा। समझ जाइए कि वो आपको बर्बाद करना चाहता है, या वो आपको उस पोजीशन पे नहीं देखना पसंद करेगा जिसको आप डिजर्व करते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई बात बात पर तारीफ कर रहा है जबकि वो काम तारीफ काबिल नहीं है, तो समझ जाइए कि ऐसे दोस्तों से आपको बच के रहना है। तो पहला क्या हुआ? ताली। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, थाली। यानी कि वो लोग या वो दोस्त जो आपको अपने पैसों से खाना खिलाते हो, अपने मतलब अपने पैसे खर्च करके आपको होटलों में ले जाते हो, खाना खिलाते हो, तरह तरह की चीजें आपको देते हो, तो ऐसे दोस्तों से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो जरूर किसी न किसी मतलब के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर उनका कोई मतलब नहीं होगा तो अक्सर ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि वो कर रहे हैं। यानी कि अपने पैसे खर्च करके और आपको खाना खिला रहे हैं, होटलों में ले जा रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको रुकवा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो सही दोस्त है तो वो आपको घर ले जाएगा, उसका घर है, वो आपको अपने घर पे ले जा सकता है, घर जाके खाना खिला सकता है। लेकिन आपको वो इम्प्रेस करने के लिए वो क्या कर रहा है कि बड़ी बड़ी होटलों में ले जा रहे हैं, आपको खाना खिला रहा है, या फिर कोई दूसरी तरीके से आपको प्रलोभन दे रहा है, इसका मतलब ये कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है और आपको ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि पहले वो अपने पैसों से आपको खाना खिलाएगा और फिर वही काम वो आपके पैसों के लिए करेगा, यानी कि आपकी जेब खाली करना शुरू करेगा, फिर इतना करेगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं ओनली सिर्फ खाना खाने की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये कि एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना है। पहला क्या हो गया? थाली। पहला क्या हो गया कि ताली। दूसरा क्या हो गया? थाली। अब हम बात करते हैं तीसरे की, ये प्याली। प्याली वर्ड जो है वो पीने का एक साधन है, जिससे कि पीते हैं। तो यहाँ प्याली का मतलब सिर्फ वो प्याली नहीं जो होती है, यानी कि वो लोग जो पीने का शौक रखते हैं, पीने का शौक मतलब जो मदिरा पान करते हैं, जो लिक्वर लेते हैं, उन लोग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले अपने दोस्तों को अपने पैसे से पिलाते हैं, और जब दोस्त को लत लग जाती है उस चीज की, फिर सामने वाले से पैसा लेना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे इतना उसको उस चीज में डाल देते हैं कि वो अपना घर बार तक बेच देता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मदिरा पान करने के चक्कर में, दारू पीने के चक्कर में अपने परिवार का भी नाश कर लेते हैं, अपने धन दौलत का भी नाश कर लेते हैं, और सारा परिवार उनका बिगड़ जाता है। तो आप उन लोगों से जरूर बचकर रहिए जो आपको अपने पैसे से पिला रहे हों। किस बात की बात कर रहा हूँ? जो मदिरा पान करवा रहे हो, जो आपको दारू पिला रहे हो, ऐसे लोगों से बच के रहना जो अपने पैसे खर्च करके कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन तो वो करेंगे जब तक कि आपको लत नहीं लगेगी, जैसे ही आपको लत लगेगी फिर वो भी और उनके दोस्त भी आपके पैसे की पीना शुरू करेंगे और आप पिलाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एहसान रहेगा ना कि सामने वाले ने मुझे पिलाया था, मुझे भी पिलाना पड़ेगा। तो इसलिए इन तीन दोस्तों से बच के रहने के लिए हमारे शास्त्रों ने बोला है, जो आपकी बात बात पर तारीफ करे, जो तारीफ के काबिल नहीं हो उस पर भी आपकी तारीफ करे, जो आपको अपने पैसों से खाना खिलाए, या अपने पैसों से खाना खिलाने का मतलब ये कि बिना मतलब के इस प्रकार से आपको
इंप्रेस करने के लिए ऐसा करें, और तीसरा जो अपने पैसों की दारू आपको पिलाए यानी कि जो मदिरा का पान करवाए आपको अपने पैसों से, तो ऐसे लोगों से आपको, ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना है। तो फिर रहना किसके साथ है? मान लीजिए ये तीन तरह के दोस्त खराब है, तो किन दोस्तों के साथ रहना है? तो एक दोस्त के साथ हमेशा आप रहिए, वो दोस्त जो, वो मित्र जो आपका चरित्र बनाए, ऐसा मित्र जो आपका चरित्र निर्माण करे, ऐसे मित्र के साथ ही रहना चाहिए। जो आपको गलत बात पे डांट सके, गलत बात पे सही कर सके, आपको ऐसे मित्र के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप करें हर बात में, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही पे सही और गलत पे गलत कह सके, और आपका, आपके जो बात है, आपके जो विचार है, उससे विरुद्ध जाकर आपको डांट सके, ऐसे दोस्तों के साथ आपको रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।